पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, लोगों को हित में करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लगातार ये खबरें उठ रही है बिहार में कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपना अध्यक्ष पद छोड़ने वाले हैं, इसको लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। हालांकि जदयू के तरफ से अब लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जदयू में कोई टूटी नहीं हो रही है और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी साफ बात कह दी है इसको लेकर और इन सारी खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि भाजपा तो इसी तरीके से अनर्गल बातें करती रहती है, उनके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जदयू हो या आरजेडी, कहीं भी किसी तरीके की टूट नहीं है। लगातार जो खबरें आ रही हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर, वो सभी बेबुनियाद है, बेबुनियाद बातें की गई हैं भाजपा की ओर से। जदयू और आरजेडी कहीं भी किसी भी में कोई भी टूट की खबरें जो है, जो भी खबरें इस तरीके की चलाई जा रही है, सभी को बेबुनियाद बताते हुए क्या कुछ कहते नजर आए श्रवण कुमार, पहले आप वो सुने। देखिए, जो लोग इन सब चीजों को उठाते रहते हैं वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं और नीतीश जी के एक एक एक्शन पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, लोगों को हित में करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं आएगा। सर, जिस दिन से जदयू में लगातार सरगर्मी देखी जा रही है, कहा जा रहा है जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जदयू में हमेशा बड़ा होता है, कब छोटा होता है? जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है, जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग, जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा अपना। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो तय होता है पार्टी के अंदर, बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। अब हम तो एक मेंबर हैं, तो हम तो मेंबर हैं, तो मेंबर की हैसियत से जा रहे हैं, वहाँ पर जो एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक वो ड्यू है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। श्रवण जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो है फिर वही हाल होगा जो आशीष सिंह का हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा है? आप लोग तरह तरह का अर्थ लगाते रहते हैं, अब उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, सब लोग का महत्व है, एक दूसरे के कड़ी के रूप में यहाँ हम सब लोग काम करते हैं, चाहे अध्यक्ष के कुर्सी पर रहें या सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करें, हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं और सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते हैं। आपने सुना, मंत्री श्रवण कुमार को साफ तौर पर कह दिया कि जो भी ललन सिंह को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं, उनके इस्तीफे को लेकर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, सबको उन्होंने बेबुनियाद बता दिया। साथ ही पत्रकारों ने जब सवाल किया कि जदयू में कुछ बड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो श्रवण कुमार कहते नजर आए कि नीतीश कुमार हमारे ऐसे नेता है जो कुछ ना कुछ बड़ा करते ही रहते हैं, तो पार्टी में कुछ बड़ा होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है, इस तरीके की खबरें इसीलिए सामने आ रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने के बाद पर श्रवण कुमार कहते नजर आए कि कोई भी चुनाव हो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है, हमारी पार्टी हर वक्त काम करती रहती है, हर परिस्थिति में काम करती रहती है, हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, चाहे चुनाव जब भी हो, हम लोग जो दिल्ली में
चुनाव होने वाले हैं उसमें भी देखिएगा किस तरीके का प्रदर्शन हमारी पार्टी की ओर से होने वाला है। आम चुनाव को लेकर दावा करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, क्या कुछ कहते नजर आए, किस तरीके से ललन सिंह के इस्तीफे की सारी अटकलों को बेबुनियाद बताते नजर आए, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।